होटल बैलेंस के मालिक प्रमुख रूप से लोगों को अपने दुकान में खाना खुलाता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ बाढ़ के दंड कोई पर धारा 188 के तहत अभियोग चलाया गया होगा। हनुमानगढ़ में जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के संयुक्त रूप से हनुमानगढ़ जंक्शन तथा टाउन बाजार में पुलिस के द्वारा बुनियादी कार्य कोरोना रोग से बचने के तरीकों को आम जन को बताया जा रहा है तथा होटलों व दुकानों पर भीड़ इकट्ठी नहीं होने की अपील भी की गई है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कोरोना रोग के लिए जारी गाइडलाइन के बारे में भी आम नागरिकों को अनाउंसमेंट के जरिए जानकारी दी गई है। कोरोना के उपायों का भी प्रचार प्रसार किया गया है तथा लोगों को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाने की बजाय घर पर ही पूजा अर्चना करने की सलाह भी दी जा रही है। आज अनाउंसमेंट के जरिए ज़िले में लगाई गई धारा 144 के बारे में भी बताया गया कि एक स्थान पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो, विवाह शादी में भीड़ भी नहीं होने दें तथा शादी विवाह पर भी की जाने वाली पार्टियों को भी स्थगित रखा जाए, यह भी अपील की जा रही है ताकि भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं हो, पार्कों के अंदर भी भीड़ इकट्ठी नहीं होने देवें ऐसा कहा गया है। लोग अनावश्यक रूप से बाजार में भी नहीं घूमें, अफवाह भी नहीं फैलाएं, सब जगह साफ सफाई रखें, प्रशासन का सहयोग भी देवें, काम नहीं होने की स्थिति में घर पर ही रहें, बाहर बिना काम नहीं जाएं। हनुमानगढ़ जंक्शन थाने के CI धीरेन्द्र सिंह ने अनाउंसमेंट करने की कमान आज संभाल रखी थी। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के द्वारा हनुमानगढ़ जिले के सभी SHO को निर्देश भी दिए जा चुके हैं कि लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में धार्मिक स्थलों पर नहीं जा पाएं तथा इन धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना का कार्य केवल मौलवी पंडित और ग्रंथी के द्वारा ही किया जावे। होटल धर्मशालाओं पार्कों के अंदर भी भीड़ इकट्ठी नहीं होने दे, ये SHO की जिम्मेदारी दी गई है। वैसे बता दें परिवहन विभाग के कार्यालयों में भी 31/3/2020 तक लाइसेंस इत्यादि करने का कार्य भी बंद कर दिया गया है ताकि परिवहन कार्यालयों में लाइनों में लगकर भीड़ इकट्ठी नहीं हो। कलम न्यूज की तरफ से भी आम नागरिकों को यह अपील है कि आप बिना कार्य के घर के बाहर नहीं जाएं और बाजार के अंदर अनावश्यक रूप से नहीं घूमें और भीड़ से बचें। कोरोना रोग के लिए बताए गए उपायों पर आप पूरी तरह से खरा उतरे तभी इस कोरोना रोग की लड़ाई से लड़ा जा सकेगा। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़। अपने कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए अपने घरों में रहे एवं प्रशासन का सहयोग करें। इसके लिए पत्रकार बंदियों से ही मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रशासन की अपील है वो जनता तक पहुंचाई जाए ताकि इसके प्रभाव को रोका जा सके। एवं पुलिस द्वारा भी अलग से एक प्रक्रिया अपनाई गई है जिसमें जितने भी मैरिज पैलेस है, होटल है, धर्मशाला है, मॉल है, जहाँ भीड़ वाले स्थान है वहाँ पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाई जा रही है और शादी विवाह में भी लोगों से अपील है कि जिनकी शादी निश्चित हुई है उनके जो रीति रिवाज के अनुसार फेरों का सिस्टम कर लें और खाने वगैरह का जो कार्यक्रम है वो बाद में रखें। और पूरे हनुमानगढ़ जिले की जनता से यही अपील है कि इस कड़ी में सभी प्रशासन का सहयोग करके अपन कोरोना वायरस के विरुद्ध प्रभावी ढंग से कार्यवाही कर सकें। कल एक जनता कर्फ्यू बताया जा रहा है, उसके लिए प्रशासन का निवेदन हमने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि अपने लाउड स्पीकर जो के माध्यम से जनता तक ये बात पहुँचाए और यदि लाउड ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम अगर सही नहीं है तो वो सही करवा कर जनता से अपील की जाए।